नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपको जो है बताने वाले हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर। दोस्तों, आज ही के दिन 1984 में फ्रांस के दो वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस की जो है खोज की थी और इसके लिए दोस्तों उनको नोबेल अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, जो राजस्थान रॉयल्स है IPL की टीम, उसने दोस्तों दिल्ली कैपिटल को जो है हरा दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, यूरोप के देश फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए कल जो है वोटिंग होनी है और दोस्तों वहाँ पे जो प्रमुख उम्मीदवार हैं इमैनुअल मैक्रों और मैरिन ली पेन। अभी बताया जा रहा है जो इमैनुअल मैक्रों हैं वो उनके जीतने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण, आपने दोस्तों नीति आयोग का नाम सुना होगा जो 2015 में बना था, इसकी जगह पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को बदल कर ही दोस्तों नीति आयोग बना है, यानी कि योजना आयोग का जो नया रूप है वो नीति आयोग है। तो फ्रेंड, इसके उपाध्यक्ष आपने सुना होगा राजीव कुमार जी हैं, तो दोस्तों उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है, सुमन वैरी जो है इसका पद संभालेंगे। तो कौन जो है संभालेंगे? सुमन वैरी, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु में यदि आप मास्क नहीं लगा रहे हो तो तमिलनाडु की सरकार ने फैसला किया है कि आपसे जो है 500 रुपये जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद।